हेडिंग डालो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इसमें दोनों पार्ट्स आता है, सबसे पहले है इसमें डिफ्यूजन भी आएगा एंड एक दूसरा पार्ट है एफ्यूजन। सबसे पहले हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि डिफ्यूजन और एफ्यूजन इनके बीच में फर्क क्या है। सबसे पहले डिफ्यूजन का पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें लिखो एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ वेसल थ्रू अ टाइनी होल। ड्यू टू प्रेशर ओके अब प्रेशर डिफरेंस किसके बीच में रहेगा, अब ब्रैकेट में लिख सकते हो वेसल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, प्रेशर डिफरेंस, जिसके वजह से क्या होता है गैस मॉलिक्यूल वेसल के बाहर निकलता है एक छोटे से होल से। अब डिफ्यूजन भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहां पे क्या होता है एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल से ज्यादा आप किस पे फोकस करोगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सेम एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बस पहले इसमें क्या हो रहा है एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सेकेंड इसमें क्या हो रहा है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये पहले चीज आप फर्क जरा समझने का ट्राई करें। लिखना डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, डेफिनेशन है तो सबसे पहले इधर एक सेकेंड डिफ्यूजन के बदले एफ्यूजन लिख, एफ्यूजन डिफ्यूजन को ऑलरेडी लिखा, अभी हम लोग एफ्यूजन ओके। एफ्यूजन मतलब क्या है, यहां पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, दो से ज्यादा गैस कंसिडर करते हैं, दो या दो से ज्यादा ओके। अब यहां पे सबसे पहले चीज रेट ऑफ एफ्यूजन, इसका सबसे फर्स्ट डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एफ्यूज पर यूनिट टाइम, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज एन डैश अपॉन टी। एन डैश का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, टी का मतलब क्या है पर यूनिट टाइम ओके। अब इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, इसका दूसरा डेफिनेशन इज मैं लिखो वॉल्यूम ऑफ गैस एफ्यूज पर यूनिट टाइम। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, वी डैश अपॉन टी। एंड इसका जो थर्ड डेफिनेशन है दैट इज प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम। अब प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक लिख सकते हो डीपी अपॉन डीटी, या फिर दूसरा आप लिख सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब डीपी अपॉन डीटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब आप सपोज आप गाड़ी चला रहे हो
आपको बोला गया कि आपका गाड़ी का स्पीड अभी क्या है, तो आप क्या देखोगे, स्पीडोमीटर में देख के आप एग्जैक्ट अपना स्पीड बताओगे। तो वो जो एग्जैक्ट स्पीड बताने को बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस प्रेशर ड्रॉप। ओके, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज प्रेशर ड्रॉप। एवरेज प्रेशर ड्रॉप का मतलब क्या है कि सपोज आप यहां से पुणे जा रहे हो, यहां से पुणे का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर एंड आपको कितना आवर्स लगा, 3 आवर्स लगा। आप क्या करोगे, ऑफकोर्स एवरेज निकालोगे, 180 को 3 से डिवाइड करोगे, तो आप बोलोगे आपका एवरेज स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग क्या था, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते हो ना कि आप कंटिन्यूसली 60 किलोमीटर पर आवर गए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। आपको पता है ट्रैफिक इन बिटवीन आएगा तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा, खाली रोड आए तो आप अपना स्पीड बढ़ाओगे। तो ये सबको हम लोग कंसिडर करके एवरेज स्पीड पकड़। इंस्टेंट का मतलब क्या है, वही कॉन्स्टेंट, मतलब आप जब वो इंस्टेंट पे आपका स्पीड क्या है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो ये जो है इसको एवरेज प्रेशर ड्रॉप, एवरेज प्रेशर। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि प्रेशर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए वहां पे माइनस साइन आया। प्लस साइन क्या इंडिकेट करता था कि प्रेशर बढ़ रहा है, ड्रॉप है ना, प्रेशर ड्रॉप का मतलब क्या है कि कम होएगा ना, इसीलिए वो माइनस साइन वहां पे आया। हाँ सर, लेकिन वो एन डैश वी डैश क्या है ऊपर? हाँ मैंने बोला ना इधर नंबर ऑफ मोल से करके, और ये क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस नोट करके इसमें लिखो, अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर हेवियर गैसेस डिफ्यूज स्लोअर देन हेवियर गैसेस, सॉरी लाइटर गैस, यहाँ पे लाइटर गैस आएगा। अब ऐसा क्यों, देखो लाइटर गैसेस इनका जो वेलोसिटी या फिर इनका जो मूवमेंट रहेगा वो क्वाइट इजी रहेगा, इनको मूव करने के लिए क्वाइट इजी रहेगा मूव करने के लिए। इसका मतलब ये इजीली क्या कर पाएगा, होल के थ्रू बाहर निकल पाएगा। लेकिन हेवियर गैसेस इनका मूवमेंट स्लो रहेगा, क्यों स्लो रहेगा, क्योंकि अफकोर्स ये हैवी पार्टिकल्स है तो इनका वेलोसिटी लेस रहेगा। वेलोसिटी लेस रहेगा इसका मतलब इनका बाहर निकलने का जो वेलोसिटी है ये अफकोर्स लेस रहेगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो हैवियर गैसेस बाहर कम निकलेगा और लाइटर गैसेस का बाहर निकलने का जो टेंडेंसी है ये क्या है, ज्यादा है। तो आप इधर लिख सकते हो बिकॉज वेलोसिटी ऑफ हेवियर गैसेस इज लेस एंड हेंस दे कैनॉट इजिली एस्केप। Next topic is relative rate of effusion. अब देखो यहां पे एक word आया है relative. अब relative का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो gases का comparison करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज आपने starting में पढ़ा था कि rate ऑफ डिफ्यूजन या फिर एफ्यूजन, अभी दो गैसेस है इसीलिए हम लोग एफ्यूजन कंसिडर कर रहे हैं। ये क्या रहेगा, आर ए जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा
उसके रूट ऑफ मोलार मास से आर बी जो रहेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रूट ऑफ मोलार मास से। चुटिया लाइट चुटिया ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उनके मोलार मासेस के स्क्वायर रूट के साथ। लेकिन कब, जब आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, अब इसको हम लोग एक और एक अल्टरनेट तरीके से लिख सकते आर ए अपॉन आर बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए escaping per unit time divided by number of moles of gas B escaping per unit time। इसको हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं volume of gas effused per unit time upon volume of gas B escaping per unit time। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं प्रेशर ड्रॉप इन ए पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन टाइम, अपॉन प्रेशर ड्रॉप इन बी पर यूनिट टाइम। तो सबको एक साथ हमने यहां पे क्या किया, रीड आउट। सबसे पहले है आर ए आर बी, इसका मतलब क्या है, इट इज रेट ऑफ एफ्यूजन, किसका रहेगा ए एंड बी का, एम बी एम ए, ये क्या है मोलार मासेस ऑफ गैस, गैस ए एंड गैस बी, एन डैश ए एन डैश बी, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स एफ्यूज ऑफ गैस ए कॉमा गैस बी, फिर इधर आता है बी ए डैश बी बी डैश, ये क्या रहेगा नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ने इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एफ्यूज ऑफ गैस ए एंड गैस बी, नेक्स्ट इज डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी कॉमा डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा पी बी टी, इक्वल टू रहेगा प्रेशर ड्रॉप ऑफ गैस ए एंड गैस। ये ध्यान देना, ये हम लोग कब यूज कर सकते हैं रिलेशन, जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर नहीं रहेगा तो क्या, इसका फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ओके, सबसे पहले इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट कांस्टेंट, ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो इन जनरल रेट ऑफ एफ्यूजन, या फिर आप लिख सकते हो आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन रूट ऑफ मोलार मास इनटू टेम्परेचर। यहां पे सबसे पहले चीज हरेक का मतलब क्या है, पी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो हमने कल किया था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कोई भी इंडिविजुअल गैस जब उसको हम लोग अकेले एक कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर पे कितना प्रेशर अप्लाई करता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ए नॉट, ए नॉट इज व्हाट, ए नॉट इज द क्रॉस सेक्शन किसका, होल का,
मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हो, नीचे एरिया भी डाल देना क्रॉस सेक्शन ऑफ होल। उसके बाद एम का मतलब क्या है, अभी तो पता है एम का मतलब रहेगा मोलार मास। टी क्या रहेगा, टी विल बी टेम्परेचर ऑफ, या फिर इधर हम किसमें रखोगे इसको, केल्विन में रखोगे, मतलब ऐड करोगे कितना 273.15 आपको ऐड करना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, अब ना यहां पे बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको इधर पूछा गया है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एफ्यूजन क्या होएगा, क्या होगा आपके हिसाब से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एफ्यूजन क्या होना चाहिए, अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा स्क्वायर से, कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले चीज आपका जो रेट है ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो ये प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन टेम्परेचर का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ध्यान दो है जो समझा रहा हूं। अब आपने जब गे लुसैक्स नहीं सॉरी बॉयल्स लॉ नहीं बॉयल्स लॉ नहीं गे लुसैक्स लॉ जब किया था तब आपने क्या देखा था कि प्रेशर जो है ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपने तभी किया था गे लुसैक्स लॉ में। ओके, तो ध्यान दो, जब आप टेम्परेचर को, ध्यान देना, जब आप टेम्परेचर को से आप 4 times बढ़ा रहे हो, ओके, आपका प्रेशर कितना टाइम्स इंक्रीज होएगा, आपका प्रेशर 16 times इंक्रीज होएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान दो, अगर सपोज आपने आपका टेम्परेचर को से 4 times इंक्रीज किया, आपका प्रेशर कितने टाइम्स इंक्रीज होएगा, 16 times। अब आप मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कम होएगा कि ज्यादा होएगा, अब आप देख के बताओ ये रिलेशन के हिसाब से क्या होएगा। देखो ना न्यूमरेटर क्या है, 16 times हो गया ना, मतलब अगर चलो आप डिवाइड भी करोगे तो भी आपका रेट क्या हो गया, 4 times बढ़ गया ना। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपका रेट ऑफ एफ्यूजन बढ़ेगा, इसके वजह से, ये रिलेशन के वजह से। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कोई भी चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज कम होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे रेट प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज ये अगर 4 times बढ़ता रहेगा तो प्रेशर 16 times बढ़ेगा, उसके स्क्वायर के साथ बढ़ेगा, ये चीज का बस आप ध्यान देना। ओके, यहां पे एग्जांपल नंबर 1 दिया है आपको, 2 gases दिए हैं, एक आपको दिया है गैस ए, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na, और एक गैस बी, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है Nb। यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाया है और इधर से गैस क्या हो रहा है, एस्केप हो रहा है, मतलब एफ्यूजन हो रहा है। क्यों हमने यहाँ पे एफ्यूजन लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 gases है, सिंगल गैस रहता तो आप डिफ्यूजन बोलते थे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फॉर 2 gases इन सेम वेसल एफ्यूजन टेक्स प्लेस, एक्चुअली सम ने ये हम लोग रिलेशन ढूंढने के लिए कर रहे, थ्रू एंड ऑरिफिस। ओके, अब ध्यान देना, पहले चीज मैं आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं क्या है एग्जैक्टली, ध्यान देना। सबसे पहले दोनों गैसेस, गैस ए और गैस बी के लिए जो होल का साइज रहने वाला है ये दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या बोलोगे, ए नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट।
अब से फर्स्ट आप ये बोलोगे, अब दोनों गैस सेम ही वेसल में है तो दोनों गैस के लिए तो टेम्परेचर भी क्या रहने वाला है, सेम रहेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट। अब दो गैसेस है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ गैस बी। अब यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और एरिया बस कॉन्स्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिलेशन लिखना पड़ेगा, पी ए नॉट अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट ऑफ मोलार मास इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पी ए नॉट अपॉन रूट ऑफ मोलार मास इनटू टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एम ए लिखोगे, यहाँ पे एम बी लिखोगे, यहाँ पे पी ए लिखोगे, यहाँ पे पी बी लिखोगे, तो आर ए बाई आर बी ये इक्वल टू रहेगा पी ए अपॉन रूट ऑफ एम ए। ये जो पार्ट है इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, इसका मतलब पी बी का जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रूट ऑफ एम बी का जो पार्ट है ये कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर पे। चलो आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट है, इसको आप चाहे तो रीअरेंज कर सकते हो, पी ए यहाँ पे आएगा पी बी, यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट ऑफ एम बी, यहाँ पे लिख सकते हो रूट ऑफ एम ए। ओके, आर ए बाय आर बी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस ए एफ्यूज पर यूनिट टाइम अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस बी एफ्यूज पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए एफ्यूज पर यूनिट टाइम अपॉन नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑफ बी एफ्यूज पर यूनिट टाइम, ये इक्वल टू है पी ए बाय पी बी, सॉरी इधर रूट आएगा, पूरा रूट आएगा, इनटू रूट ऑफ एम बी, और यहां पे क्या आएगा, एम ए आएगा। ओके, अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट ध्यान देना, डाल्टन्स लॉ, कल ही हमने सीखा था डाल्टन्स लॉ, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी ए जो रहता है ये क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन इनटू क्या रहेगा, टोटल प्रेशर, ये कल ही किया था। वैसे पी बी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, यहां पे टोटल प्रेशर और इधर का टोटल प्रेशर क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। एक्स ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे एन बी अपॉन क्या होएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होएगा। इधर से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो एन ए अपॉन एन बी, तो इधर इसको आगे कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है, पी ए के बदले आप लिख सकते हो एक्स ए बाय एक्स बी, ये तो एज इट इज आने वाला है, रूट ऑफ एम बी अपॉन रूट ऑफ एम ए, इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो एन ए बाय एन बी, ये आएगा रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। एक्स ए कॉमा एक्स बी इसको आप क्या बोलते हो, मोल फ्रैक्शन, और इसका फॉर्मूला तो मैंने इधर लिख के दिया है, फिर पी टी ये क्या है, टोटल प्रेशर, ये भी कल ही किया था,
एन ए एन डी का तो मतलब पता है, एन तो लिख के रखता हूँ, एन ए और एन बी का मतलब क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए कॉमा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बी, ये बस लिख के रखना हूं।